बड़ा विश्वासघात किया है करेरा के विधायक जसमान जाटव जी ने। करेरा विधानसभा की जनता ने हजारों वोटों से करेरा के विधायक जसमान जाटव को जिताया था और आपने सब पूरी उस पर पानी फेर दिया। आप ये बताइए सिर्फ 35 करोड़ में करेरा विधानसभा की जनता को बेच दिया। 35 करोड़ में आपने पूरी करेरा विधानसभा की जनता को बेच दिया। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये इन्होंने सिंधिया जी ने बहुत बड़ी लोकतंत्र की हत्या की है। पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो लोकतंत्र की हत्या की है इनका, इनको आने वाले कल में इनको जवाब मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, देख लेना आप। हम हैं ये, आप हैं ये। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऊपर से ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाईकमान की तरफ से आदेश भी हैं कि आप जो भी कांग्रेस पार्टी के छोटे से छोटे बड़े से बड़े धरना प्रदर्शन करोगे उसमें उसकी PDF बना के PCC कार्यालय भेजोगे। इसमें ये पता चलना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो छोटे से छोटे कार्यक्रम में धरना प्रदर्शन में आ रहे या नहीं आ रहे। मैं भी माननीय राजा साहब से मिला था, उन्होंने भी ये कहा था आप कोई भी कार्यक्रम करो छोटे से छोटे बड़े से बड़ा उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेतागण कांग्रेस के पदाधिकारीगण वो आ रहे या नहीं आ रहे उसकी एक PDF बना के कांग्रेस कार्यालय को भेजो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ माननीय हमारे कक्काजू जो पिछोर विधानसभा से हैं वो अनुभवी नेता हैं और वो देखिए आप उनको मंत्री भी नहीं बनाया, उनको मंत्री भी नहीं बनाया फिर भी वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। मरते दम तक वे कांग्रेस पार्टी के साथ थे और अभी वर्तमान में हैं। उन्होंने उनको भी बहुत सारे ऑफर आए थे लेकिन वो तो कहीं नहीं गए, वो तो कहीं किसी के लोभ में नहीं आए। ये तो करेरा वो तो 6 बार से विधायक थे, उनको मंत्री नहीं बनाया था फिर भी वो कहीं नहीं गए। ये तो पहली बार विधायक बना, ये तो पहली बार में 35 करोड़ में बच गए। धन्य यार हम समस्त करेरा विधानसभा की क्षेत्र की जनता की माध्यम से मैं माननीय सिंधिया जी तक पहुंचाना चाहता हूं और विधायक जी तक पहुंचाना चाहता हूं ये संदेश कि ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देंगे और करेरा विधानसभा के समस्त क्षेत्र के कांग्रेस के पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण सबसे निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि कल सुबह 10 बजे पुलिस सहायता केंद्र पर एकत्रित होकर एक हम विशाल कांग्रेस की पार्टी की तरफ से एक प्रदर्शन करेंगे जिससे माननीय सिंधिया जी महाराज साहब तक ये संदेश पहुंचे और विधायक जी तक ये संदेश पहुंचे कि करेरा की क्षेत्र की जनता के साथ आपने धोखा किया है, गद्दारी की है और ये जो आपने धोखा और गद्दारी की है ये आने वाले समय में हम आपको बताकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।